वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है और आज मैं अभी मसालों की शॉपिंग करके आई हूँ। और जब मैं वहाँ मसाले की शॉपिंग करने गई तो मुझे आप लोग का याद आया कि बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि प्राइजेस क्या हैं मसालों के, यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं मिलते हैं। और जो मेरा लास्ट ग्रॉसरी शॉपिंग वाला व्लॉग था उसमें भी लोगों ने कहा कि आपने प्राइजेस नहीं बताए। तो आज मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग तो नहीं करी है पर आज मैंने मसालों की शॉपिंग करी है, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं आपको बताऊँगी कि कौन से मसाले कितने रेट के मिलते हैं और मैं कौन कौन से मसाले लेके आई हूँ, इजली मिलते हैं यहाँ कि नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे जो ये मसाले मिलते हैं, मैं इतना एक शॉप डिस्कवर करी है। बहुत अच्छा स्टोर है, होलसेल क्लब के नाम से। देखिए मैं रिसिप्ट भी लेके आई हूँ, ये रिसिप्ट है होलसेल क्लब की। तो ये जो होलसेल क्लब है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैमिली पैक मिलते हैं हर चीज़ का। हर जो भी आप मसाला है, आटा है, अचार है, जो भी चीज़ है आपकी, उसके बहुत बड़े फैमिली पैक मिलते हैं। तो ईज़ली ये ना 4-5 महीने आप चल जाते हैं, तो आपको बार बार जैसे ग्रॉसरी के लिए हर वीकली जाना पड़ता है, तो इसलिए मसालों के लिए जाना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोर कि आप एक बार फैमिली पैक लेके आ जाओ और बस फ्री हो जाते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मुझे लगता है कि हर जगह कनाडा में होगा, बस आपको सर्च करना पड़ेगा कि होलसेल क्लब कहाँ है आपके एरिया में, और ज़रूर विज़िट करिएगा। इधर मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, वॉलमार्ट पे या और स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, पर ये है कि वहाँ पे कोई मसाला मिलता है नहीं मिलता, वो छोटे छोटे पैक्स मिलते हैं वॉलमार्ट में जो मैंने देखे, पर यहाँ बड़े मिलते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ होलसेल क्लब पे जाना और वहाँ से पिक करना मसाले, जो कभी नहीं मिलते हैं तो फिर मैं और कहीं जगह से ले लेती हूँ, वॉलमार्ट या फिर इंडियन स्टोर। इंडियन स्टोर पर यह है कि थोड़ा कॉस्टली मिलती हैं चीज़ें, मसाले हों या आटा हो या कुछ भी हो, क्योंकि ऑब्वियस उन्हें अपना प्रॉफिट भी देखना होता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली रहते हैं। तो मैं बहुत कम मसाले वहाँ से लेती हूँ, जो चीज़ें हमारी इंडिया की होती है वो मुझे लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ मैं सब कुछ होलसेल क्लब से लाती हूँ। तो चलिए मैं आपको मसाले दिखाती हूँ और उसके प्राइजेस बताती हूँ इसमें से, रिसिप्ट में से देख के कि वो कौन से मसाले कितने के हैं। देखिए ये गरम मसाले का पैकेट है और ये पूरा आपका 500 ग्राम्स का है। इसकी एक्सपायरी भी ज़्यादा होती है, तो ऐसा डर नहीं है आपको कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसकी हाँ बेस्ट बिफोर मार्च 2022 है, तो ये 2022 तक चलेगा, उससे पहले मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका 5.97 का है। सेम मैं लाती हूँ सब्जी मसाला, सब्जी मसाला मेरे पास रखा था तो मैं नहीं लाई। ये देखिए चंकी चाट मसाला, सेम ये भी 5.97 का है। और ये है आपका जीरा, जीरा का इतना बड़ा पैकेट है, मैंने खोल के भी आपके साथ अपने बॉक्स में निकाल लिया ये। और ये भी आपका 5.97 का है और ये भी 2020 का है। तो देखिए इतना बड़े बड़े पैकेट्स हैं, तो ये आपके आसानी से आपके मेरे 4-5 मंथ्स चल जाते हैं। और ये है दलिया, वीट का दलिया है, और ये दलिया मुझे मिला है 2.97 का ईच। तो मैं ऐसे 3-4 पैकेट ले आती हूँ, ये नाश्ते के लिए अच्छा होता है। ये कितने केजी का है, ये है 1000 ग्राम का, ये आपका है। और सबसे अच्छा है ये देसी घी ये देसी घी मुझे मिला है 16.88 का, 16.88 का, ये आपका 1.6 केजी घी है। यहाँ पे ब्रार का, नानक का आता है, तो मैंने ये टेस्ट किया था लास्ट टाइम मैं ये लाई थी। तो अब दिवाली पे सोच रही हूँ या फिर अभी नवरात्र स्टार्ट हो गए तो इसमें ही खाना बनेगा देसी घी में, तो ये मेरा कम बचा था तो मैं ये लेके आई हूँ। और देखिए ये है रेड चिली पाउडर, सनस्पन का, MTH का मुझे नहीं मिला। और ये है आपका रेड चिली पाउडर, ये भी सेम 5.97 का है। मतलब कोई भी आप आधा किलो का लेते हो कोई भी मसाला, तो वो सारे आपके 5.97 के हैं सारे वहाँ पे। और ये नमक है, नमक का मैं ऐसे पूरा पैकेट लाती हूँ क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है, दिवाली पे मुझे स्नैक्स बनाने पड़ेंगे,
तो स्नैक्स में नमक लगेगा। तो ये पैकेट इसमें तीन थे, मैंने खाली कर लिया, खोल लिया, तीन पैकेट मुझे $3 के मिले हैं। वैसे नॉर्मल आप किसी भी शॉप पे स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको $2 का एक मिलता है, और मुझे यहाँ पे मेरे पैसे बच गए और मुझे यहाँ पे ये $3 का तीन मिल गया। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे फैमिली पैक पूरे मिल जाते हैं, और मैं लेके आती हूँ उनको, और लॉन्ग भी मिलती है। मैं आपको चलिए दिखाती हूँ स्टोर के लॉन्ग के, लॉन्ग मिलती है वहाँ पे, सारे जीरा, अजवाइन जितने भी है आपका, और बेलीव्स जिसको हम कहते हैं, कौन सा, तेज पत्ता, तेज पत्ते के बड़े बड़े पैकेट्स हैं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े पैकेट मिलते हैं आपके 1 किलो के, 2 किलो के, तो आप वो ले सकते हो। अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप वो ले सकते हो। मेरे पास रखी ये थी चीज़ें, तो मैं आज सिर्फ इतनी ही चीज़ें लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको बताऊँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी कॉस्टली नहीं है चीज़ें, इस 5.97 घी 16.88 का सही रेट पे। अगर आप घी 1 किलो का आप और जगह देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाते हैं, $20 का मिलता है, $20 का। तो यहाँ पे मुझे 16.88 का मिल गया। आटा है, मैंने आपको बोला था कि आटे पर यहाँ दिवाली सेल लगती है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ्लायर मैं सेव करके रखी थी कि आपको दिखाऊंगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ हैप्पी दिवाली का आता है, तो हैप्पी दिवाली पे ये देखिए हैप्पी दिवाली लिखा है, वॉलमार्ट का फ्लायर है ये। और ये मैं वेट कर रही थी कि आटा निकलेगा इसमें। देखिए ये पल्स परी का आटा है, और इसका नॉर्मल रेट है 11.77 का मिलता है, पर ये अभी 8.77 का मिल रहा है। तो मैंने इसको ऑनलाइन 8.96 का मिल रहा है, तो मैंने इसको, और 10 किलो का है, 9.07 केजी का है, तो मैंने इसको बुक कर दिया है ऑनलाइन, और ये घर पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ऐसी चीज़ें आपको अच्छे रेट में मिल जाती। राइस के पैकेट्स हैं, जो चावल हैं राइस, वो मेरे पास रखे थे तो मैं वो लेके नहीं आई। राइस भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छे रेट पे, बासमती राइस का आपको 10 किलो का, 20 किलो का बड़ा सा मिल जाता है पूरा पैकेट, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है, खाने में भी अच्छे लगते हैं। और एक बार आप लाइए और बस आराम से 4-5 महीने को फ्री हो जाइए, बार बार नहीं जाना है आपको। आई होप आपको एक प्राइजेस का आइडिया लग गया होगा, पता चल गया होगा कि मसाले यहाँ इतने कॉस्टली नहीं है, इसलिए मिल जाते हैं जो इंडिया से आ रहे हैं उनको भी, और जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान ना हो। यहाँ पे शॉप्स, इंडियन स्टोर तो है ही, पर आपको नॉर्मल कैनेडियन स्टोर पे भी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको इकोनॉमिकल पड़ती हैं, आपकी पॉकेट को सही लगती हैं, और आप इजीली उनको ले सकते हैं, और बार बार आपको शॉपिंग करने की, बाबा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए आप मेरे स्टोर का वीडियो, मैंने थोड़ा स्टोर का वीडियो कैप्चर किया है क्योंकि मैं शॉपिंग करने में बिज़ी थी, वहाँ पर मसाले लेने में, जल्दी घर आना था, खाना बनाना था, तो मैंने थोड़ा वीडियो लिया है कि आपको दिखे कि कैसे यहाँ पर मसाले मिलते हैं, और सारे मसालों के आपको थोड़ा रेट का आइडिया मिल जाएगा। और मेरा आपने ग्रॉसरी शॉपिंग का व्लॉग नहीं देखा हो लास्ट, तो उसको भी ज़रूर देखना, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
Till then, bye. Wait for my next video. Bye bye.